दोस्तों अपने अभी भी बहुत सी जगह 4G वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, कहीं कहीं पे अच्छे से हो जाती, लेकिन रुको रुको रुको, नोकिया ने अपना पहला 5G वीडियो कॉल कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ वोडाफोन ने अपना पहला होलोग्राफिक कॉल कर लिया है 5G यूज करके। दोस्तों मैं ओम धाकड़ और आप देख रहे हैं ओम टेक टिप्स। बात करें 4G की तो अभी भी अपने यहाँ बहुत सी जगह 4G प्रॉपर नहीं चलता है, वीडियो कॉलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, बहुत सी जगह अच्छे से हो जाती है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो गाँव में अभी भी 4G नहीं पहुंचा है। बहुत सी जगह लोग छत पे चढ़ते हैं, गाँव में खेत में जाते हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा सिग्नल मिलता है, लेकिन फिर भी अच्छे से कॉलिंग वगैरह वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती। 5G आने वाला है लेकिन 4G भी अभी प्रॉपर नहीं चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन की, तो वोडाफोन आप सोच रहे होंगे वोडाफोन की बात कर रहा है, वोडाफोन तो इंडिया से आउट ही हो गया। हाँ, वो वोडाफोन आइडिया के साथ मिल गया है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन यूके की। वहां पे वोडाफोन ने अपना पहला होलोग्राफिक कॉल कर लिया है, तो 5G यूज करके वोडाफोन ने पहला होलोग्राफिक कॉल कर लिया है। होलोग्राफिक कॉल के बारे में आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है, नॉर्मल वीडियो कॉल में तो अपन सामने से कैमरा पकड़ते तो अपना अपना चेहरा दिखता है, लेकिन होलोग्राफिक कॉल में 360 डिग्री में पूरा वीडियो कॉल होता है। उसमें आप पूरे अच्छे से दिखते हो, आगे से पीछे से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, 360 डिग्री में आप अच्छे से इसमें दिख जाते हो सामने वाले को। इससे लगता है कि सामने वाले को जो भी कॉल कर रहा होता है कि ये मेरे सामने ही खड़ा है बिल्कुल। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि इसमें 3D होलोग्राफिक के थ्रू जो कॉल करते हैं उसमें बिल्कुल सामने रहता बंदा, ऐसा लगता है कि अपने पास ही बैठा हुआ है। आयरन मैन मूवी में आपने देखा होगा, उसमें 3D होलोग्राफिक इफेक्ट बहुत थे, उसमें आयरन मैन जो होता है वो ऐसे चीजें करता है कि लगता है कि वो रियल में वहां पे अवेलेबल है, लेकिन वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, ऐसा लगता जरूर है। आप उसको टच करोगे तो आप टच नहीं कर पाओगे, वो बस वर्चुअली दिखेगा। तो वोडाफोन ने अपना पहला होलोग्राफिक वीडियो कॉल कंप्लीट जो किया है वो किया है यूके में। अब 5G के बारे में ज्यादा जानना हो तो आई बटन में एक वीडियो है, जाके देख सकते हैं, वहां पे 1G 2G 3G 4G के बारे में भी बात करी है। नोकिया ने अपना पहला 5G वीडियो कॉल किया है वेराइजन के साथ मिलके। वेराइजन आपको पता होगा ये यूएस की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। ओवर 5G Today we completed the first 5G NR call on commercial Nokia equipment on Verizon Spectrum in their live commercial network. तो अपने यहाँ 4G वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने यहाँ तो भी 4G प्रॉपर सब जगह आया नहीं है, लेकिन 5G वीडियो कॉलिंग अच्छे से टेस्ट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं 5G कब तक आता है। तो नॉर्मली 5G US में बहुत से अलग अलग लोकेशन पे वेराइजन टेस्ट कर रही है, ऑलरेडी अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी इंडिया में भी कहीं पे भी टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है और अभी भी 5G फोन इंडिया में नहीं आया है। बहुत सारे वीडियो कुछ आपको मिल सकते हैं यूट्यूब पर जो बता रहा हूँ इंडिया में पहला 5G आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कोई 5G फोन इंडिया में नहीं आया है। तो 5G आने से ड्राइवरलेस कार उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, हालांकि बहुत सी चीजों में इसको फायदा मिलने वाला है। बैंडविड्थ बहुत मिल जाएगी और लेटेंसी बहुत लो हो जाएगी, उससे क्या होगा कि मान लो अपन ड्राइवरलेस कार में जा रहे हैं तो क्या लाइव ट्रैफिक एकदम डिटेक्ट कर पाएंगे, तो उसमें एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल लाइव ट्रैफिक डिटेक्ट कर लेती, सामने से गुजरता तो वहीं पर रुक जाएगी गाड़ी, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और 5G के आने के बाद 4K वीडियो स्ट्रीमिंग और VR में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी 2020 के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन उम्मीद कम है। टेस्टिंग वगैरह चलने लग जाएगी, लेकिन लाइव आने में तो हो सकता है 2020 भी आगे निकल जाए और 2021-22 तक शायद देखने को मिल जाएगा अपने को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।